सो हे गाइस, दिस इज योर वाईटी बॉय। मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब रिलेटेड न्यूज के बारे में। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, और देखने के बाद मेरा काम पसंद आए तो फिर लाइक भी कर देना, और चैनल में नए तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, फास्ट अपडेट आ रहा है आशीष चंचलानी के बारे में। तो गाइस, आप लोग देखा ही होगा कोविड के सेकेंड वेव आने से देश का क्या हाल हुआ है। तो गाइस, इस बार बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहा है पिछले वाले के मुकाबले, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहा है। तो इसी सारे चीज को टैकल करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर हेल्प करने के लिए आगे आए, जरूरतमंदों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए, बहुत सारे भूखा लोगों को खाना भी दे रहे हैं। इसी चीज को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर उनका नंबर शेयर कर रहे हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग जरूरत के टाइम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ हमारे आशीष चंचलानी के साथ। तो एक स्टोरी शेयर किए रिगार्डिंग दी सिचुएशन। वो कहे वो अपना नंबर डिलीट कर दे स्टोरी से, कॉज कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा था। ये बोल के भैया आशीष है क्या, आशीष से बात करा वे, आशीष से बात करा दो बोल के। एंड ऑल्सो इसी चीज को मेंशन करते हुए ट्रिगर डिंसन भी एक एक्सपीरियंस शेयर किए। वो कहे कि सेम हैपेंड व्हेन आई शेयर सम ऑन पोस्ट, प्लीज यार ऐसे टाइम पे थोड़ा सा समझो। सो गाइज, इसी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइज, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है प्यूडीपाई एंड कोकामेलन के बारे में। तो गाइज, आप लोग तो टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई सब्सक्राइबर बैटल के बारे में पता ही होगा। वो काफी दिन हो गए एंड टी सीरीज सब्सक्राइबर काउंट पे पीछे छोड़ दिए थे प्यूडीपाई को, बट अब कोकामेलन बोल के एक किड्स यूट्यूब चैनल है जो की सरपास किया हुआ है प्यूडीपाई को रिसेंटली। तो गाइज, आप लोग अब देख सकते हो प्यूडीपाई का टोटल सब्सक्राइबर है 109 मिलियन एंड कोकामेलन का है 110 मिलियन। तो गाइज, ये चैनल अब वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल बन चुका है एंड टी सीरीज स्टिल ऑन टॉप। एंड गाइज, और एक बात, सब्सक्राइबर रैंक पे फोर्थ पोजीशन पे है हमारा सेट इंडिया जो कि अभी 102 मिलियन पे है। तो गाइस, लेट्स सी कोकामेलन टी सीरीज को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। तो गाइस, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है अमित भड़ाना के बारे में। तो रिसेंटली अमित भड़ाना यूट्यूब पे 23 मिलियन सब्सक्राइबर रन किए। तो इसके रिगार्डिंग अमित भड़ाना ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की, उन्होंने कहा 23 मिलियन यूट्यूब फैमिली, थैंक यू आप सभी को, आपके प्यार का मैं आभारी हूँ। तो इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन पे सम्राट भाई ऑफिशियल एंड यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया कमेंट किए। सम्राट भाई ने कहा कांग्रेचुलेशंस बड़े भाई, एंड यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया ने कहा 23 मिलियन मुस्कान आपके नाम, होप यू एंड योर व्यूअर्स आर कीपिंग सेफ इंडोर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस समित फटाना फॉर दिस मैसिव अचीवमेंट। तो गाइस, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है रफ्तार के बारे में। तो रिसेंटली रफ्तार कोविड के बारे में एक पोस्ट शेयर किए। रफ्तार ने बोला कोरोना कम से कम इंसान को बता के मार रहा है, इंसान तो बिना बताए मार रहा है, नकली दवाइयों से, कालाबाजारी से, बेड की बोली लगा के, ऑक्सीजन रोक के, असल में एक ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। तो गाइस, इस ब्लैक मार्केटिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बॉस ऑफिशियल के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि फ्री फायर कम्युनिटी पे इस वक्त एक कंट्रोवर्सी चल रहा है अंकुश फ्री फायर वर्सेस अल्फा फ्री फायर बोल के। तो इसी चीज को और डिटेल में डिस्कस करते हुए बॉस ऑफिशियल कुछ कहा है उनका रिसेंट यूट्यूब वीडियो पे। तो चलो गाइस, बॉस ऑफिशियल क्या कहा है छोटा सा एक वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर एक क्लाइमैक्स खत्म नहीं होता कि भाई दूसरा क्लाइमैक्स आ जाता है, कभी इस घर से कभी उस घर से, मतलब कहीं ना कहीं से एकदम भाई धमाका मिलते ही रहता है, मतलब धमाका खत्म ही नहीं होता। इधर तो मैं कन्फ्यूज हो गया कि दिवाली भी एक बार मनाई जाती है लेकिन फ्री फायर में तो भाई आए दिन दिवाली मनते रहती है। अभी बढ़ते हैं हम अंकुश और अल्फा के बीच में। अंकुश और अल्फा को कैसे जानता हूँ मैं, वो एक सेकंड को बता दूँ आपको। बात करें अगर अंकुश की, भाई वैसे तो अंकुश अल्फा दोनों अल्फा ही है, बट स्टिल बात करें अगर अंकुश की, तो अंकुश बॉस गिल्ड में आया था सबसे पहले जब वो यूट्यूब पे स्टार्ट भी नहीं किया था, उसके अगर 100 सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे तब, ठीक है, जब वो पहला सीजन पुश किया था तो वो आया था बॉस के अंदर। एंड उससे मैं उसको जानता हूँ, ठीक है, अब बॉस में आएगा कोई बंदा मैं नहीं जानूंगा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। एंड बात करते दूसरी तरफ अल्फा की, तो अल्फा मेरा सीजन 3-4 का रैंक सीजन की बात कर रहा मैं, उस टाइम का दोस्त रह चुका है जब वो नेक्सस में था, देन ज्ञान अल्फा और भी पता नहीं बहुत सारे गिल्ड में घुमा होगा, मेरे को उतना याद नहीं है, या फिर बोलो तो तब तक कॉन्टैक्ट खत्म हो गए थे उससे, ठीक है। तो मैं जानता हूँ, प्लस वो रीजनल बंदा है। एंड अगर बात करते यार निब्बा है, देखो जो बात है निब्बा मतलब छोटा बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 17-18 साल का है, ओके। एंड आपको तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें इन दोनों को लेके जानता हूँ। ये जो चीज़ है ना कि अंकुश और अल्फा वाली, कि अल्फा सारी वीडियो बनाता था उसकी, ये चीज़ें हमें बहुत पहले से पता है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले से, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कल को एकदम से भाई ऐसे
इतना बड़ा कांड हो जाएगा कि अल्फा वक्त हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी उसका। देखो जाहिर सी बात है यार, आखिर कब तक धोखे में रहेगा वो भी बट क्या बोलूँ मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे मेन जो चीज़ होती है ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया क्या सीन था, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले इनिशियल से, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग, जीरो से स्टार्ट करते हैं अंकुश का। तो अंकुश की बात करें, जब उसके जीरो सब्सक्राइबर थे वो बॉस गिल्ड के अंदर था, उसने टॉप वन करा था एंड उसने पहली चीज़ यह बोली थी कि मेरे को प्रमोशन चाहिए बॉस के सारे यूट्यूबर्स के थ्रू। तो उस समय मेरे को ये बात खटका था बट स्टिल फिर भी मैंने करा एंड बाकी के जितने यूट्यूबर्स थे उसके साथ वीडियो बनाए थे बॉस गिल्ड के। ओके, बाहर का नहीं, बॉस गिल्ड के सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था, सबीर भाई और भी दुनियादारी, मतलब जितने भी थे सब ने जितना हो सका, एंड उसके 70K हो गए थे। एंड आप खुद से सोचो, एक यूट्यूबर जिसको आप मतलब प्रमोट करके 70K कर दो, 70K बहुत बड़ा नंबर होता है, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, ये आप लोगों को पता होगा, आई नो। एंड तो 70K हो गए, उसके बाद भैया फिर से बोलते हैं कि फिर से प्रमोशन करो। भाई आप कोई प्रमोट करके आपके 500K तो नहीं करा देगा, वो तो आपको खुद मेहनत से करने होते हैं। लेकिन फिर भी इसका ऐसा सीन था, तो उसके बाद मेरे को खटका एंड उस टाइम इस बात को लेकर मेरी इससे लड़ाई भी हो गई थी। ओके, देन इसके बाद पता नहीं शायद से इसको किक करा गया था, वो वीडियो भी थी किक करने की बट अभी वीडियो मिली नहीं मेरे को, तो इसलिए वो मैं नहीं डाला। ओके, तो वहाँ से हुआ, देन इसके बाद पता ही है लोकेश के गिल्ड में भी गया था एंड लोकेश ने भी इसका प्रमोशन किया था, उसके चैनल पर शायद वीडियो ऑडियो भी मिल जाएगी। एंड ऐसे ही ये बहुत जगह घूमा फॉर दी सेक ऑफ प्रमोशन। ओके, तो ये रहा अंकुश का सीन, ये जो अंकुश बोलता है कि मैंने खुद के दम पे स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा किया। अब देखो, किसी को पुश करना, ये नहीं बोलूँगा कि मैंने करा दिया या फिर किसी यूट्यूबर ने, लोकेश ने करा दिया या किसी ने भी, बट स्टिल अगर कोई तुम्हें पुश दिया है तो उसको तो भूलना नहीं चाहिए कि हाँ तुम्हारा कोई हेल्प करा है। तो ये तो खुद बोली मत कि मैंने अकेले सब कुछ कर लिया ऐसा करके, कि अल्फा को अगर तुम क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो खुद पे भी पूरा क्रेडिट मत रखो। ओके, दूसरी तरफ हम बात करते हैं अल्फा की, तो भाई अल्फा तू भी यार दूध का धोया हुआ तो नहीं है, बट स्टिल भाई इन दोनों के बीच में सीन ऐसा था कि जितनी अर्निंग होती थी 50-50% दोनों में बटा हुआ था। ऐसा नहीं था कि पूरे पैसे अंकुश रखता था या फिर पूरे पैसे अल्फा रखता था, दोनों के बीच में 50-50% बटा हुआ था, सॉरी। एंड यही था सीन कि 50-50% दोनों में बटा हुआ था। लेकिन फिर भी आप एक सेकंड को अल्फा की जगह खुद को रख के सोचो, ठीक है, एक सेकंड के लिए सोचो कि आप कहीं, आप सपोज करो आपका एक यूट्यूब चैनल है, ओके, एंड आप भाई पूरा मेहनत कर रहे हो चैनल के ऊपर, सब कुछ A to Z वीडियो, एक सेकंड में मान लो वॉइस ओवर भी कर रहे हो, एडिटिंग A to Z सब कुछ आपका गेम प्ले है आप कर रहे हो, एंड आपकी जगह कोई दूसरा बंदा पूरा क्रेडिट ले रहा हो आपको, भाई मतलब यूट्यूब में कोई थूकता भी नहीं हो, एक बंदा भी आपको नहीं जानता हो कि ये आपकी चैनल है, तो कैसा लगेगा? तो गाइस फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो गाइस इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस वीडियो यहीं तक था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल बना तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आई विल सी द नेक्स्ट वन, बाय बाय।